ये आपने किस कोर्स के लिए यहाँ पे एडमिशन लिया था, कितना पैसा जमा किया था? एलेवेंथ के लिए लिया था और 6,000 जमा किया था, 8,000 फीस थी, दो बार में जमा किया था। तो क्या हुआ? कुछ नहीं सर, दीपावली के बाद जब हम लोग वहाँ गए थे सिवा हॉस्पिटल के बगल, तो वहाँ पे ताला लगा हुआ था। फिर सिद्धार्थ सर को फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन, मैंने पहले बेल गई, फ़ोन उठाया नहीं, बाद में फ़ोन बेल ही नहीं जाती थी। तो क्या हुआ? आप सर कोचिंग नहीं हुई, खुली ही नहीं, बंद कर दिया, पैसा लेकर फरार हो गए। कहीं शिकायत की आपने इस बारे में? सर FIR करवाई है। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग? सर पैसा वापस करें या फिर कोचिंग पर हैं। तो ये सिद्धार्था कोचिंग में आप किस पद पर थे और क्या मामला था पूरा? सर मैं सिद्धार्था कोचिंग में मैनेजर के पद पर था और लगभग 22 जनवरी से मैं कार्यरत हूँ यहाँ पे, और 10,000 रुपये हमारी सैलरी थी। आज तक हमें ना तो कोई सैलरी मिली है, ना हमारा कोई यहाँ पर लेखा जोखा रखा गया। जैसे जो बच्चे भी फीस जमा होती वो सारी फीस लेकर के वो साथ में जाते थे, और सैलरी के पर्पज़ से मैं कोई बात करता हूँ इस समय तो हमको जान से मारने की धमकी दे रहा है। तो क्या इस समय अभी बात होती है, क्या पता चलो सिद्धार्था कहीं कोचिंग चला रहे हैं या कुछ जानकारी? सर मालूम हुआ है कि वो भेटरिया में कोचिंग खोले हुए हैं और वहीं पर मौजूदा कार्यरत हैं। आपको धमकी मिली है जान से मारने की, कहीं पे आपने शिकायत की है पुलिस से? हाँ सर, कोतवाली में हमने जो है एक एप्लीकेशन दी थी। आपसे पहले जो सिद्धार्था कोचिंग चलती थी उसने बच्चों की जो है फीस जो जमा हुई थी, ठीक है, क्लास पूरी किए बगैर जो है फीस लेकर फरार हो गया है, किस तरह से जानते हैं आप, क्या पूरा मामला बताइए। सिद्धार्था कोचिंग में पहले मैं पढ़ाता था, उसके पश्चात मैंने उनसे फीस का अपनी सैलरी कभी नहीं मांगी। मैंने यहाँ पे 24 जनवरी को ज्वाइन किया था, 24 जनवरी से लेकर 20 अक्टूबर तक मेरी कुल फीस, मेरी कुल सैलरी बनी थी 1.5 लाख रुपया। जब मैंने उनसे सैलरी मांगी तो उन्होंने कहा कि जो है आपसे आप परसेंटेज ले लो, 75% उन्होंने अपनी कोचिंग का मुझे दे दिया। उसके कुछ दिन बाद फिर 25 अक्टूबर के आसपास वो जो है अपने मामा और परिवार वालों के साथ है अपना सामान ले जाने लगे। मैंने कहा अपना सामान आप क्यों ले जा रहे हैं? तब उन्होंने बोला कि नहीं, मैं जो अलग अपनी कोचिंग डालूंगा, हमें परसेंटेज से कोई लेना देना नहीं है। ऐसी स्थिति में अपना सामान जब वो लेके चले गए, कंप्यूटर्स थे, कंप्यूटर्स लेके चले गए, कंप्यूटर्स के बच्चों की कुल फीस जमा हुई थी 1,86,000 रुपया। ये टोटल पैसा जो सिद्धार्थ पांडे के पास था वो सारा का सारा पैसा लेके गए, सिवा हॉस्पिटल के बगल में एक अपनी कोचिंग डाला, दिवाली के पश्चात उन्होंने कोचिंग बंद कर दिया। फिर जब बच्चे हमारे पास आने लगे, परेशान करने लगे कि नहीं ये भी सिद्धार्था कोचिंग है वो भी है, तब मैंने कोचिंग का नाम परिवर्तित करके प्रयत्न इंस्टीट्यूट रख दिया। ऐसी स्थिति में अब जो है मेरा कोई भी दावा, मैं देनदार नहीं हूँ किसी भी बच्चे का, क्योंकि सारी की सारी पैसा और सारी जिम्मेदारी सिद्धार्थ पांडे की थी, सारा पैसा वो अपने साथ लेके यहाँ गए। वर्तमान समय में उन्होंने भेटरिया में कहीं कोचिंग खोला है आकांक्षा हॉस्पिटल के बगल में, वो और उनके मामा मिलकर, उनके मामा यहाँ से करके गए थे कि मैं सारे टीचरों को सैलरी दे दूंगा वापस, किसी भी शिक्षक की उन्होंने सैलरी नहीं दिया। 1,10,000 रुपये कुल शिक्षकों की सैलरी है और सारी की सारी सैलरी मुझे वहन करनी पड़ रही है। क्या अभी आपसे बात होती है सिद्धार्था की? नहीं, सिद्धार्था मेरा फ़ोन नहीं उठाए करीब 1 महीना हो गया। मेरा उनसे झगड़ा हो गया था, पैसों को लेकर ही हुआ था, उसके पश्चात ही वो अपने संस्था वगैरह हमारी संस्था में कभी नहीं आए हैं। कंप्यूटर्स जिन बच्चों को आप पहले सिद्धार्था कोचिंग में पढ़ाते थे, तो क्या वो बच्चे अभी आपके यहाँ पढ़ रहे हैं कि सब चले गए? लगभग सारे बच्चे चले गए हैं, मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 बच्चे हमारे पास आ रहे हैं। तो वो उसी फीस में पढ़ रहे हैं? नहीं, उसी फीस में जो सिद्धार्था पैसा लेके गया था, टेट के बच्चों को मैंने पढ़ाया, टेट के टोटल 45 बच्चे थे, 45 बच्चों की फीस उन्होंने अपने पास रख लिया था, उनके भविष्य को ना खराब होने पाए इसलिए मैंने दूसरे शिक्षक को रख के पढ़ाई करवाई। उसके लिए मुझे कोई अलग से फीस किसी बच्चे ने जमा नहीं किया, क्योंकि भाई बात ये थी कि अगर मैं पैसा दोबारा से मांगता तो बच्चों, बहुत सारे बच्चे देने में नाकाम थे, नहीं दे पाते, इसलिए मैंने जो है उनको पूरी पढ़ाई करूँगा। क्या नाम है आपका? नीरज मिश्रा।